राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही शुक्रवार को शुरू होते ही सबसे पहले दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने सदन के सदस्यों को सूचित करते हुए बताया कि आज हमारे लिए खुश होने का दिन है। उन्होंने कहा कि आप विधायक अजय दत्त को कंबोडिया के चुनाव आयोग ने अपने यहाँ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए उन्हें इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। वो इंडिया के पहले विधायक हैं जिन्हें विदेश में होने वाले चुनावों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। राखी बिरला के इस बयान के बाद नजफगढ़ से आप विधायक कैलाश गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि अजय दत्त जी को कंबोडिया में होने वाले चुनावों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त होने पर बहुत बहुत बधाई। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारे देश में दो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त जी। उनके इस बयान पर सदन में ठहाका गूंज उठा। अधिकांश विधायक सदन में हंसने लगे। मारे हंसी के विधायक गण जोर जोर से मेज भी बजाने लगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर हंसी मजाक उड़ाया गया, तो साफ तौर पर अजय दत्त अब इसका क्या जवाब देते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने चुटकी ली है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब इसका जवाब अजय दत्त जरूर देते हुए नजर आएंगे। अधिकांश विधायक सदन में हंसने लगे। मारे हंसी के विधायक गण जोर जोर से मेज भी थपथपाने लगे। इस दौरान सदन ठहाकों से गूंज उठा। जब हंसी मजाक का माहौल थमा तो गुलाब सिंह ने सदन के पटल पर ओल्ड एज पेंशन का मुद्दा उठाया, साथ ही सदन से इस मसले को गंभीरता से लेने की मांग भी की। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजधानी में दिल्ली सेवा कानून 2023 लागू होने के बाद आप सरकार ने दिल्ली विधानसभा की विशेष सत्र बुलाई है। पिछले तीन दिनों से अलग अलग मसलों पर दिल्ली विधानसभा में बहस जारी है। गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर हिंसा को लेकर दिल्ली विधानसभा के सदन को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हुआ उससे दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई। इसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी चुप है। आज सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही जारी थी। बताया जा रहा है कि आज सदन में दिल्ली सेवा कानून पर बहस होने की संभावना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News।